तो स्टूडेंट्स का त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ रहे थे और त्रिकोणमिति में हमने थीटाओं की डिग्रियों के मान निकालना बताया था, उसको रिवाइज करें तो एक बार और देखें मान निकालना। जैसे मैंने तुम्हें एक सूत्र बताया लाल बटे और इसको इस रूप में रख दिया था साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा कोट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। यदि सभी का हम सूत्र प्राप्त करें तो वो इस प्रकार से होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या है साइन और साइन थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार कोश थीटा और कोश थीटा का सूत्र क्या होगा आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार tan थीटा का सूत्र क्या हो जाएगा लंब और बटे। इसी प्रकार टैन का उल्टा क्या होता है कोट होता है और कोट का उल्टा क्या होता है। इसी प्रकार यदि हम कोट थीटा का सूत्र प्राप्त करें हैं तो कोट थीटा का सूत्र हो जाएगा क्या आधार बटे लंब आधार बटे। इसी प्रकार सेक थीटा का सूत्र प्राप्त करें तो सेक थीटा का सूत्र होगा कर्ण बटे आधार कर्ण बटे। इसी प्रकार कोसेक थीटा का सूत्र प्राप्त करें तो कोसेक थीटा का सूत्र होगा कर्ण बटे। तो इस प्रकार जो थीटा है वो छह प्रकार के हैं, उनके सूत्र हमने याद किए। इन्हीं सूत्रों के आधार पर मैंने साइन का मान निकालना बताया था लंब आधार और त्रिभुज में तीन भुजा होती है लंब आधार और कर्ण। कितने डिग्री का मान निकाल रहे हैं सर्वप्रथम जीरो डिग्री, इसके बाद 30 डिग्री, इसके बाद 45 डिग्री, इसके बाद 60 डिग्री और इसके बाद 90 डिग्री। मान तो हम आगे भी निकाल सकते हैं लेकिन हमारे सिलेबस में केवल कितने का है इसलिए ये मान याद करें। सर्वप्रथम बताया जीरो से और कितने तक लिखे लिखेंगे चार जीरो एक दो तीन और चार। इन्हीं को पीछे से लिखते हुए चार तीन दो एक और जी। मैंने बताया था कि संपूर्ण त्रिभुज में कर्ण का मान कभी भी चयन नहीं होता समान रहता है। और दूसरी चीज ये बताई थी कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण। संपूर्ण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या होती है कर्ण। तो इनमें सबसे बड़ा मान क्या है चार, तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा चार। और बताया था सभी के समान होता है तो सभी में कर्ण का मान क्या आ जाएगा चार। देखिए अब हम जिसका मान याद करना चाहे याद कर सकते हैं, जैसे कल भी बताया था साइन 45 डिग्री का मान हमें याद करना हो तो साइन का सूत्र याद लिख सकते हैं। साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। साइन का सूत्र क्या हो गया लंब बटे कर्ण। अब हम साइन के कितने डिग्री का मान याद कर रहे हैं 45 डिग्री का। अब इसमें देखेंगे 45 में लंब की वैल्यू कितनी है दो और कर्ण की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री में चार। संख्या कटे तो उन्हें काट दिया जाता है
संख्या कट जाएगी, दो एक अंक दो और दो दूनी संख्या जो कट जाए उसके बाद जो अंक बचे उसका हम क्या निकाल लेते हैं, वर्गमूल निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? वर्ग। इनका वर्गमूल निकालेंगे तो एक का वर्गमूल एक और दो का पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए किसके अंदर रह जाएगा, अंडर रूट। तो साइन 45 की वैल्यू क्या आ गई, एक बटे अंडर रूट। इसी प्रकार और भी हम मान ज्ञात कर सकते हैं, जैसे हमें cos 45 का मान ज्ञात करना हो, किसका मान ज्ञात करना हो, cos का। तो cos का सूत्र देखेंगे, cos का सूत्र हमारे पास क्या होता है, आधार बटे कितने डिग्री का मान ज्ञात करना है, 45। तो 45 डिग्री में जाइए आधार का और कर्ण का मान, तो 45 डिग्री में आधार का मान क्या है, 2 और कर्ण का मान कितना है, 4। संख्या काटे तो काट लेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 6। जो संख्या कटने के बाद बचे उसका क्या निकाल लेते हैं, वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालेंगे, एक का वर्गमूल क्या होता है, दो अंक, दो का पूर्ण वर्गमूल होता नहीं है, किसके अंदर रह जाएगा, अंडर रूट। इसी प्रकार हमारे किस पास किसका मान आ गया, cos 45, cos 45 का मान क्या आ गया, 1/√2। सवाल किस प्रकार से हल करते हैं, तो प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल देखिए, प्रश्नावली 6.1 का बता रहे हैं, छठे प्रश्नावली। तो सवाल नंबर 5, और सवाल नंबर 5 हमारे पास है 2 sin 45 degree cos 45। हमें सवाल में sin 45 का मान रखना है और cos 45 का, तो दो जो कि तुम्हारे ये इंटू साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2। अभी हमने निकाला था, इसी प्रकार cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2। हल करेंगे, ऊपर की संख्याओं को ऊपर की संख्याओं से गुणा करेंगे, नीचे वाली संख्याओं को नीचे वाली संख्याओं से गुणा करेंगे, नीचे वाली संख्याओं को गुणा करेंगे, अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुणा करेंगे। जब समान अंडर रूट वाली संख्याओं को गुणा करते हैं तो संख्या के ऊपर से क्या आ जाता है, अंडर रूट कट जाता है। तो अंडर रूट कटने के बाद हमारे पास क्या बचेगा, 2, और 2 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 1। इस प्रकार हमें इसका मान क्या प्राप्त हो गया, क्या प्राप्त हो गया, 1। इसी प्रकार यदि अगला सवाल देखें, तो अगला सवाल है cos 45 या sin 45 cos 60 माइनस cos 45 sin 60। वैल्यू रखेंगे साइन 45 की वैल्यू, अगर हमें वैल्यू याद नहीं हो तो इस सूत्र से हम आसानी से याद कर सकते हैं। साइन 45 का मान तो अभी हमने याद किया था, क्या आया, 1/√2 गुणा cos 60 का मान, cos 60 का मान हमें याद नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, याद कर सकते हैं। किसका याद करना है, cos 60, cos 60 का याद करें, इधर देखिए cos 60, cos का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, क्या होता है, आधार बटे कर्ण। अब 60 डिग्री में देखेंगे कि आधार का मान कितना है और कर्ण का मान कितना, तो आधार का मान कितना है, 60 डिग्री, आधार का मान 1 और कर्ण का मान 1 और
कण का मान पूछे। संख्या कट नहीं रही है, वर्गमूल निकालेंगे और वर्गमूल निकालेंगे तो एक का वर्गमूल एक और चार का वर्गमूल चार का वर्गमूल दो, तो हमारे पास मान क्या आ गया एक बटे दो, तो इसका मान आ गया एक बटे। इसी प्रकार कोस 45 का मान एक बटे अंडर रूट गुणा साइन 7 का मान याद करेंगे, किसका याद करेंगे साइन 7 मान हमें याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है निकाल सकते हैं साइन 7। साइन का सूत्र हमारे पास क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब 60 डिग्री में लंब का मान कितना है 60 डिग्री, लंब का मान कितना है अंडर कितना है 3 और कर्ण का मान कितना है 4। संख्या कटेगी क्या नहीं कटेगी, नहीं कटेगी तो क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो 3 का तो पूर्ण वर्गमूल होगा नहीं है तो क्या रह जाएगा अंडर रूट 3 और 4 का वर्गमूल कितना होगा क्या होगा आगे हल करेंगे तो ऊपर की संख्याओं को ऊपर की संख्या से गुणा करेंगे, एक को एक से गुणा करेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा एक, क्या प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अंडर रूट 2 को 2 से गुणा करेंगे और अंडर रूट 2 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट। चिन्ह अगला हमारे पास किसका है आगे गुणा करेंगे, एक को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा अंडर रूट 3। इसी प्रकार नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से गुणा करेंगे, अंडर रूट 2 को 2 से गुणा करेंगे क्या प्राप्त होगा 2 अंडर रूट। हल करेंगे दोनों संख्याओं का लघुतम लेंगे, लघुतम हमारे पास क्या आ जाएगा चूंकि दोनों हरों में संख्या समान है तो जब हरों में संख्या समान हो तो लघुतम कोई संख्या आती है, इसका भाग देंगे एक बार जाएगा एक को एक से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा एक। चिन्ह किसका है हमारे पास माइनस, किसका है माइनस, दो अंडर रूट 2 से दो अंडर रूट 2 में भाग देंगे क्या आएगा एक, एक को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा अंडर रूट 3 और इस प्रकार हमें इसका क्या प्राप्त हो गया आंसर। हमें ज्यादा साड़ी के मान रटने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हम सूत्र से याद कर सकते, रटनी कोई भी चीज नहीं है, मैं सब समझ रहा हूं, सूत्र भी हमें रटने नहीं है सूत्र भी समझने हैं। तो आगे देखिए अगला सवाल, साइन स्क्वायर 3 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस 3 tan स्क्वायर 7। हल करेंगे मान लीजिए साइन कितना है हमारे पास 30, साइन 30 का मान याद करेंगे याद हो तो डायरेक्ट लिख देंगे नहीं तो हम याद कर सकते हैं, तो साइन 30 का मान निकालेंगे। साइन का सूत्र क्या होता है लंब बटे कर्ण,
गुण होता है कितना। इस प्रकार हमें साइन थी इसका मान क्या प्राप्त हो गया, एक बटे दो। साइन पे स्क्वायर लगा है इसलिए एक बटे दो पर भी क्या लगा देंगे, स्क्वायर। इसी प्रकार आगे चिन्ह इसका हमारे पास प्लस, आगे हमारे पास क्या है दो गुणा। आप किसका मान चाहिए, cos 45, तो cos 45 का मान याद कर सकते हैं, cos 45 का मान, तो cos का सूत्र क्या होगा, आधार बटे का, आधार बटे का। 45 में देखिए आधार कितने 40 और 1 41 और बटे में कितने हैं 4। यहां तक हल करें, आगे भी हल कर सकते हैं। 4 का भाग देंगे 4 भाई के 40, क्या बच गया 1, और बटे में पहले से संख्या कितनी थी
त्रिज्या, तो हमारे आंसर आ गए 10 सही 1/6। इस प्रकार हम आगे भी सवाल हल कर सकते हैं, बस हमें सारणी का मान भाग याद रखना चाहिए। याद नहीं हो जो ट्रिक बताई है, जो सूत्र बताए उनके अनुसार हम याद कर सकते हैं। मान कोई सा भी हो हम आसानी से याद कर सकते हैं। अगला सवाल देखें, चौथा सवाल देखें, तो चौथा सवाल 3 sin 60 - 4 sin 3 60। मान रखें 3 sin 60 का मान, साइन 60 का मान अंडर रूट 3/2। याद हो तो डायरेक्ट लिख दें, नहीं हो तो हम याद कर सकते। चूंकि किसका मान याद करें, साइन का, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। लंब और कर्ण का मान ले लो, लंब का मान 3 और कर्ण का मान 4, क्या आ गया 3/6। संख्या कटेगी नहीं, वर्गमूल निकाल लेंगे और वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट 3 और 4 का वर्गमूल क्या मान प्राप्त हो जाएगा, अंडर रूट 3/6। चिन्ह किसका है, माइनस। आगे हमारे पास है 4 sin 60 का मान, अभी निकाला था अंडर रूट 3/2, घात में कितने हैं 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो 3 अंडर रूट 3 और बटे में कितने हैं 2। चिन्ह किसका, माइनस। 4 × √3 का क्यूब करेंगे, क्यूब का मतलब अंडर रूट 3 को कितनी बार गुणा करेंगे 3 बार, तो अंडर रूट 3 × √3 और गुणा अंडर रूट 3। अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे क्या आएगा 3, क्या बच गया अंडर रूट 3, तो हमारे पास क्या आ गया 3 अंडर रूट 3। इसी प्रकार 2 का योग करेंगे, 2 को भी 3 बार गुणा करेंगे तो 2 × 4 और 4 × 8। संख्या को काट लेंगे, 4 × 4 और 4 × 8। हमारे पास यहां क्या बच रहा है, 3 √3/2, चिन्ह किसका है, माइनस। यहां क्या बचा 3 √3 और बटे में कितने बचे 2, 3 √3/2 माइनस 3 √3/2 घटाइए, क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा 0। चूंकि समान संख्याओं को जब घटाया जाता है तो मान क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। जैसे 0 प्राप्त होगा। समान संख्याओं को घटाएं तो 0 प्राप्त होता है, और समान संख्याओं को यदि भाग दें तो हमें क्या प्राप्त होता है 1 प्राप्त। घटाने पर 0 और भाग देने पर 1 प्राप्त। इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 हमारे पास है 5 cos²60 + 4
साइन स्क्वायर इज प्लस कॉस स्क्वायर इज। देखिए इस सवाल में किताब में जो मिस्टेक दी गई है उसको सही कर ले। यहां चार सेक की जगह अलग ही कुछ लिखा हुआ है, सेक की जगह इसमें साइन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? साइन लिखा हुआ है। तो साइन की जगह हम क्या कर लेंगे? सेक। और दूसरी गलती क्या है इसमें? यहां प्लस का चिन्ह दे रखा है, इसका कर लेंगे माइनस। इसी प्रकार आगे साइन स्क्वायर तीस तो सही है, प्लस कोस स्क्वायर तीस की जगह हमें दे रखा है कोस स्क्वायर पैंतालीस। तो कोस स्क्वायर पैंतालीस की जगह कितना करना है हमें? तीस। हल करेंगे, मान रखेंगे पांच गुणा कोस साठ किलो। आप आसानी से निकाल सकते हैं इसमें से कोस साठ की, कोस का सूत्र होता है आधा बटे कट साठ में लगे आधा एक कट चार एक बटे चार वर्गमूल निकालेंगे तो एक चार का वर्गमूल तो क्या आ जाएगा? एक बटे दो स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए क्या लगा देंगे? स्क्वायर। क्या लगा देंगे? जिन प्लस का चार गुण सैतीस। सैतीस का सैक का सूत्र क्या होगा? सैक का सूत्र है कर्ण बटे आधा, और मान कितने का चाहिए? तीस का। तीस में से चार बटे तीन, और चार बटे तीन का वर्गमूल निकालेंगे तो चार का वर्गमूल दो और तीन का वर्गमूल अंडर रूट तीन, तो क्या आ जाएगा? दो बटे अंडर रूट तीन। और इसका क्या है? इसको माइनस टेन पैंतालीस। टेन पैंतालीस का मान क्या होता है? एक। एक का स्क्वायर याद कर सकते हैं, टेन का सूत्र होता है क्या? लंब बटे आधा। तो टेन की देखिए पैंतालीस में देखिए लंब और आधा क्या है? लंब की दो है और आधा की दो दो है, दो में दो का भाग देंगे एक, और एक का वर्गमूल क्या होता है? तो इसका मान क्या आ गया? आगे मान रखेंगे साइन तीस। साइन तीस का मान एक बटे दो स्क्वायर क्या लगा देंगे? स्क्वायर। याद नहीं तो याद कर सकते हैं, याद करेंगे तो क्या आएगा? साइन का सूत्र होता है लंब बटे कट, और कितने डिग्री का याद लगा है? तीस। लंब तीस में लंब एक कट कितना? चार। वर्गमूल निकालेंगे एक का वर्गमूल एक चार का वर्गमूल दो, तो मान क्या है? एक बटे स्क्वायर लगा हुआ है चिन्ह किसका आएगा? प्लस। अब हमारे पास मान क्या है? कोस स्क्वायर तीस। तो कोस तीस का मान क्या है? कोस का सूत्र हमें पता है, यहां से देखिए कोस का सूत्र आधा बटे तीस डिग्री में आधा का और कर्ण का मान देखेंगे तो इसमें आधा का मान तीन और कर्ण का मान चार, वर्गमूल निकाल लेंगे तीन का वर्गमूल निकलेगा नहीं ऐसे किए से और चार का वर्गमूल तो क्या आ गया हमारे पास? अंडर रूट तीन बटे दो स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए क्या लगा देंगे? स्क्वायर। आगे हम करेंगे पांच एक का स्क्वायर करेंगे एक और दो का स्क्वायर करेंगे चार प्लस चार दो का स्क्वायर चार अंडर रूट तीन का स्क्वायर तीन माइनस एक का स्क्वायर एक
माइनस एक बटे में एक मान। यदि किसी भी संख्या के बटे में कुछ भी नहीं हो तो क्या मान सकते हैं? एक मान सकते। बटे वाली संख्या लिखी है तो यहां भी लघुतम लेंगे। लघुतम यहां क्या आएगा? दोनों जगह समान संख्या है, क्या आएगा? चार। क्या आएगा? चार। चार का भाग चार कर देंगे एक बार और एक को एक से गुणा कर देंगे एक प्लस। चार का भाग चार कर देंगे एक, एक को तीन से गुणा कर देंगे ऊपर के संख्या को भाग करेंगे तो यहां भी लघुत्तम ले लेंगे। कितना आ जाएगा? वाह, चार दिया। चार का भाग देंगे चार दिया वाह तीन बार और तीन को पांच से गुणा करेंगे कितने आ जाएंगे? पंद्रह प्लस तीन का भाग बारह में देंगे चार बार और चार को सोलह से गुणा करेंगे चौसठ। चिन्ह किसका? माइनस का। एक का भाग बारह में देंगे बारह और बारह एकम नीचे तीन और एक चार बटे चार। आगे हल करें तो पंद्रह और चौसठ को जोड़ लेंगे। पंद्रह और चौसठ को जोड़ लेंगे उन्यासी माइनस बारह बटे बारह। यहां चार का भाग चार में देंगे एक, एक का बटे में कोई महत्व नहीं होता है छोड़ देंगे। उन्यासी में से बारह घटाएंगे नौ में से दो गए तो सात और सात में से एक गए तो छह और बटे में कितने बारह। इस प्रकार हमें इसका आंसर प्राप्त हुआ सड़सठ बटे। इसका मान क्या प्राप्त हुआ? सड़सठ बटे। अगला सवाल देखिए। ऐसी आशा करता हूं तुम्हें समझ में आया होगा, सवाल में समझ में आए होंगे। बहुत मान के बात की मैंने बता भी दी, अब तुम आसानी से मान याद कर सकते हैं। विगत किसी सारणी याद किए या सारणी याद करने की आवश्यकता थोड़ी रहेगी। अब तुम विगत सारणी याद रखे मान याद कर सकते हैं। चूंकि इस प्रश्नावली में से जो सवाल आता है वो तो एक ही सवाल आता है, या तो वो एक नंबर का आएगा या तीन नंबर का। इनमें यदि हम सारणी बनाने में समय लगा देंगे तो हमें इतना समय मिलता नहीं। सारणी बनाएंगे फिर सवाल हल करेंगे, समय ज्यादा लगेगा। अगर हम ज्यादा से ज्यादा दो या तीन या चार मान याद करने होते हैं जो हम डायरेक्ट इससे याद कर सकते हैं। अगला सवाल देखें, छठा सवाल। छठा सवाल हमें दे रखा है चार कोट स्क्वायर पैंतालीस माइनस सेट स्क्वायर साठ प्लस साइन स्क्वायर साठ प्लस कोस स्क्वायर नी। मान लीजिए चार कोट पैंतालीस का मान याद करके बताइए एक। कल भी मैंने सारणी बनाई तब बताया था पैंतालीस डिग्री में साइन कोस टेन कोट सेवन कोट
cos x के मान क्या होता है? समास। sin और cos के मान समान होते हैं, tan और cot के मान समान होते हैं, और sec और cos के मान समान। रखिए स्क्वायर क्या लगा देंगे? स्क्वायर चेंज किसका? माइनस sec 60 का। sec 60 का मान बताइए। sec का सूत्र होता है कर्ण बटे आधा। कर्ण कितना है? 60 में 4। आधा कितना है? 1। 4 में 1 का भाग देंगे 4, और 4 का वर्गमूल स्क्वायर क्या लगा देंगे? स्क्वायर प्लस sin 60। sin 60 का मान, sin का सूत्र लंब बटे कर्ण, लंब का मान 3 और कर्ण का मान 4, 3 बटे 4। वर्गमूल निकालिए, 3 का वर्गमूल बराबर 3 और 4 का वर्गमूल 2। स्क्वायर क्या लगा देंगे? स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर निकालिए। cos 90 का मान, cos का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, और 90 में आधार का मान 0 और कर्ण का मान 4। 0 में 4 का भाग देंगे 0, जो कि किसी 0 में किसी भी संख्या का भाग देने क्या आता है? 0। 0 का वर्गमूल भी क्या होता है? 0। और 0 को क्या है? हल करेंगे 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 0। 4 को 1 से भाग करेंगे 4 माइनस 4 प्लस 3 बटे 4। 0 का कोई वैल्यू नहीं है, प्लस के 4 माइनस के 4 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। क्या बच गया हमारे पास? 3 बटे 4। इस प्रकार हमने छठे सवाल का आंसर प्राप्त किया, हो गया 3 बटे। अगला सवाल देखिए, यदि तुम मान निकालना सीख जाए तो प्रश्नावली बहुत सरल लगेगी। ट्रिग्नोमेट्रिक और ज्योमेट्रिक एक ऐसे चीज है, अगर एक बार समझ में आ जाए तो कभी उन्हें भूलते नहीं, इंटरेस्ट आता है अलग करने में। और इनमें भी अगर मान या तो हम आसानी से सवाल याद कर सकते हैं, इसमें हल कर सकते हैं सवाल को आसानी से, अगर हमें क्या याद हो मान याद। देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 7। 4 root square 10 degree minus 1 बटे sin square 30 degree माइनस कोस स्क्वायर 45। मान रखिए, देखिए 4 जो कि तुम कोट 30, तो कोट 30 का मान निकालिए। कोट का सूत्र पता है क्या? आधार बटे लंब। आधार का मान कितने है? आधार का मान 3 और लंब का मान 1। 3 बटे 1 मान क्या है? 3। 3 का वर्गमूल अंडर रूट 3, और
उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर करके क्या लगाएंगे इसको, चिन्ह हमारे पास प्लस का है, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, एक साइन तीस, साइन स्क्वायर तीस, तो साइन तीस का मान निकाल, साइन तीस का मान निकाल सकते हैं आसानी से, एक बटे दो स्क्वायर है, क्या लगाएंगे स्क्वायर, चिन्ह किसका है माइनस का, कोस स्क्वायर पैंतालीस, कोस पैंतालीस का मान एक बटे अंडर दो स्क्वायर का लगाएंगे, हल करेंगे चार अंडर तीन का स्क्वायर तीन प्लस एक, अब यहां स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर एक और दो का स्क्वायर चार माइनस, यहां स्क्वायर करेंगे एक का स्क्वायर एक अंडर चार बटे तीन प्लस एक, यदि नीचे वाली संख्या बटे में हो तो उसे गुणा में ले जाते हैं, तो गुणा में ले जाएंगे संख्या तो संख्या पलट जाएगी, अंश वाली हर में और हर वाली संख्या अंश में चली जाएगी, चार ऊपर और एक नीचे, ये संख्या गुणा में गई तो गुणा में जाते पलट गई, चार ऊपर गया और एक कहां गया नीचे, माइनस एक बटे चार को एक से गुणा करेंगे चार बटे में एक माइनस एक बटे आगे हल करें तो लघुतम लेंगे, तो लघुतम लेंगे तो कितने आ जाएंगे तीन दूनी छह, कितने आ जाएंगे लघुतम छह, तीन का भाग छह में लेंगे दो बार और दो को चार से गुणा करेंगे आठ, चिन्ह किसका प्लस, एक का भाग छह में लेंगे छह और छह चौका चौबीस माइनस दो का भाग देंगे छह में तीन बार और तीन एकम तीन जोड़ेंगे चौबीस आठ बत्तीस माइनस कितने तीन बटे में छह घटाएंगे बत्तीस में से तीन घटाएंगे उनतीस बटे छह, तो हमारे सवाल के आंसर आ गए उनतीस बटे छह। अगला सवाल देखिए आठवां सवाल, टेन स्क्वायर साठ प्लस चार साइन स्क्वायर पैंतालीस डिग्री प्लस साइन स्क्वायर बटे तीन सेक स्क्वायर तीस डिग्री प्लस वो सेक स्क्वायर साठ डिग्री माइनस कोट स्क्वायर, सवाल पड़ा है हटाने की आवश्यकता
चार का मान अंडर रूट स्क्वायर क्या लगा देंगे प्लस साइन 45 का मान चार ऐसे कैसे गुणा साइन 45 का मान एक बटे अंडर रूट दो स्क्वायर क्या लगा देंगे स्क्वायर प्लस साइन थीटा का मान साइन थीटा का मान साइन का सूत्र देख लो लंब बटे लंब का मान भी चार कर्ण का मान भी चार चार में चार का मान देंगे एक और एक का वर्गमूल होता है क्या ए स्क्वायर है क्या लगा देंगे स्क्वायर हर वाली संख्या का मान रखेंगे तीन गुणा सैंतीस सैंतीस का मान याद कर सकते हैं सै का सूत्र होता है कर्ण बटे आधा तीस में कर्ण चार आधा तीन वर्गमूल निकालेंगे तो दो बटे अंडर रूट तीन स्क्वायर इसके लिए क्या लगा देंगे स्क्वायर प्लस कोसेक साठ और कोसेक साठ का मान याद कर सकते हैं कोसेक का सूत्र होता है क्या कर्ण बटे लंब कर्ण का मान साठ में देखिए चार और लंब का मान तीन वर्गमूल निकालेंगे तो चार का वर्गमूल दो और तीन का वर्गमूल अंडर रूट क्या आ गया दो बटे अंडर रूट तीन और इसका स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर तीस कोट तीस का मान याद कर सकते हैं क्या आएगा अंडर रूट तीन और इसका स्क्वायर क्या लगा देंगे स्क्वायर वर्ग करेंगे अंडर रूट तीन का वर्ग करेंगे तीन प्लस चार गुणा एक का वर्ग करेंगे एक और अंडर रूट दो का वर्ग करेंगे तो अंडर रूट बढ़ जाएगा क्या बढ़ जाएगा दो प्लस एक का स्क्वायर क्या आएगा एक बटे वाले से क्या रखेंगे तीन वर्ग करेंगे दो का वर्ग चार और अंडर रूट तीन का वर्ग तीन अंडर रूट बढ़ जाएगा प्लस यहां पर करेंगे दो का वर्ग चार अंडर रूट तीन का वर्ग करेंगे तीन अंडर रूट हट जाएगा माइनस अंडर रूट तीन का वर्ग करेंगे तीन अंडर रूट हट जाएगा काटेंगे दो एक और दो दो दूनी चार तीन से तीन यहां क्या बच गया तीन प्लस दो एकम दो और प्लस एक बटे यहां बच गए चार प्लस यहां बच गए चार बटे तीन माइनस क्या बच गया तीन जोड़ेंगे तीन और दो पांच और एक छह चार में से तीन घटाएंगे क्या बचेगा एक प्लस हमारे पास बच गया क्या चार बटे तीन ऊपर संख्या जो भी तो नीचे लेंगे लघुतम और लघुतम लेंगे तो क्या आएगा तीन एक का भाग देंगे तीन में तीन बार और तीन एकम तीन प्लस तीन का भाग तीन में देंगे एक बार और एक को चार से गुणा करेंगे क्या आएगा चार ऊपर संख्या जो भी तो नीचे तीन और चार को जोड़ेंगे सात नीचे कितने बच गए तीन जब नीचे वाली संख्या जब हर वाली संख्या बटे में हो तो बटे वाली संख्या को माने जाते हैं गुणा में ले जाएंगे तो संख्या पलट जाएगी तीन ऊपर चल जाएगा और सात नीचे आ जाएगा गुणा करेंगे छह दिया अठारह बटे बच गए कितने
सात, इस प्रकार इस सब